हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर्थिक कपूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ स्पीक्स। बालों का हमारे शरीर में बहुत महत्व होता है। अच्छे बाल एक व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं। बॉलीवुड को ही ले लीजिए, जितने भी टॉप के हीरो रहे हैं सभी के बाल बहुत घने हुआ करते थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने बालों को किस तरह मेंटेन करें, घना, काला, चमकदार और सुंदर बनाएं, मुलायम भी। साथ ही साथ जिन लोगों के बाल नहीं हैं, उनकी भी संभावना बाल बढ़ाने की बन जाती है। तो मैं आज ये वीडियो आपसे शेयर करूंगा। इसके पहले कि मैं आपको विधि बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। पहले मैं आपको ये इस बोल में दिखाता हूँ। ये आपको एक पेस्ट दिखाई दे रहा है इसमें। ये वो पेस्ट है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और मैं तो खैर हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करता हूँ। रात को सोने से पहले लगा लेता हूँ उसको, और प्रातः काल उठ के इसको धो देता हूँ, और हफ्ते में 2 दिन शैम्पू कर लेता हूँ। यही वो है राज जो कि आपके बालों को घना, काला और चमकदार बनाता है, और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपके बालों को झड़ने से रोकता भी है। और अगर आपके बाल झड़ चुके हैं, आप मिडिल एज में हैं, आप कम एज में हैं, तो आपके बाल दोबारा से निकल भी सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो देखिए आखिरी तक। अब इस पेस्ट को बनाने के लिए मैंने जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है उसमें राई, ये देखिए राई, राई के दाने, एलोवेरा, एलोवेरा का पत्ता, इसको साइड से काट के इसका जेल अलग से निकाल लीजिए, और साथ में एक प्याज और 2 आंवले। इन सब चीज़ों को मैं आपको विधि बता देता हूँ। मैं चूंकि ऑलरेडी बना के रख चुका हूँ, दोबारा से फिर कभी बना दूंगा आपके लिए वीडियो। अभी मैं सिर्फ आपको विधि बता देता हूँ। एक बड़ा पत्ता एलोवेरा का लीजिए और उसमें जितना जेल हो उसको निकाल के एक कटोरी में रख लीजिए, और सबसे पहले मिक्सी लगाइए। मिक्सी में राई को पीस लीजिए जितना बारीक हो सके। राई को पीसने के बाद इसमें प्याज और आंवला काट के डाल दीजिए, इसको दोबारा पीस लीजिए, तो एक मिश्रण बन जाएगा। जितना बारीक हो सके उतना बना लीजिए इसको, और जब इतना बन जाए उसके बाद इसमें ऊपर से एलोवेरा का जेल मिला के ग्राइंडर में एक बार फिर चला दीजिए। तो ये सारा मिश्रण बहुत अच्छे से मिक्स होकर और जैसा मैंने आपको दिखाया था इस रूप में सामने आएगा। अब ये अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो इसमें आप एलोवेरा का जेल और मिला लीजिए, फिर से एक बार मिक्स कर लीजिए। कम गाढ़ा लग रहा हो तो अपने हिसाब से मिक्स कर सकते हैं आप इसको, और जब ये बन जाएगा, इसको लगाने की विधि मैंने आपको बता ही दी। रात में सोने से पहले लगाइए और उंगलियों की पोरों से पूरे बालों की जड़ों में लगा लीजिए, अच्छे से लग जाए। उसके बाद इसको कवर अप करके रात भर लगा रहने दीजिए, और प्रातः काल उठ के बालों को धो लीजिए। वैसे तो अगर आप 2 महीने लगातार लगाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम आएगा, लेकिन अगर आप 2 महीने लगातार नहीं लगा पा रहे हैं उस केस में आप हफ्ते में 2 बार तो जरूर ही लगाइए, हफ्ते में 2 बार लगाइए और सुबह उठ के शैम्पू कर लीजिए। निश्चित रूप से 2 महीने में आपके बाल बहुत अच्छे, घने, काले, चमकदार हो जाएंगे, और कई बार जहाँ पर बाल नहीं भी होते वहाँ भी पुनः ग्रोथ उनकी प्रारंभ हो जाती है। तो एक बार ये नुस्खा अपना के देखिए, और अपनाने के बाद जैसा भी लगे मुझे बताइए ज़रूर। अंत में ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और नए नए वीडियोस आपको देखने को मिले, मुझे प्रेरणा मिले, मैं नए वीडियोस बनाऊं और जानकारी आपको दे सकूं, और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो आए आप उसको सब्सक्राइब कर पाएं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसको अपना के देखिए और मुझे बताइए। थैंक यू, बाय बाय।